स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बैक बेंचर में। अपनी पीएचडी एडमिशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के बारे में। आईआईटी जम्मू ने हाल फिलहाल में अपने पीएचडी एडमिशन के लिए एडवर्टीजमेंट को जारी किया है और उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट 15 दिसंबर 2020 तक ओपन करके रखा है। उन्होंने अपने सारे एडवर्टीजमेंट की डिटेल, कैसे इंटरव्यू होंगे, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस टाइप की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, उन्होंने दे के रखा है। तो हम सबसे पहले जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के साइट पे। अब आप यहाँ पे जाना होगा अनाउंसमेंट में, न्यूज अपडेट। तो आप यहाँ पर आपको मिलेगा कि इन्होंने क्या क्या ओपनिंग आ चुकी है। तो आप जाएंगे रीड ऑल, आप जब करेंगे, जब रीड ऑल आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2020-2021। ओके, जब इसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक विंडो खुलता है जिसमें एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएचडी, डिटेल एडवर्टीजमेंट, आपको ये क्लिक करना है। मैंने ये खोल के रखा। देन अगर आपको मोर पीएचडी के बारे में जानना है तो पीएचडी प्रोग्राम विजिट और ये दिस वन, आपने ये खोल के रखा। देखिए सबसे पहले हम याद है एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2021 उन्होंने दे के रखा है। किसके लिए ओपनिंग करके रखा है? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, मटेरियल, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। कैटेगरी ऑफ एडमिशन के बारे में बात करें तो उन्होंने दे के रखा है इंस्टीट्यूशन रिसर्च स्टूडेंट कैंडिडेट फुल टाइम एंड द टाइम एक्सट्रीमली फंडेड स्टूडेंट यूजीसी सीएसएआर जीपैक्ट। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हमारे पास ओनली मास्टर डिग्री एलिजिबल है। अगर अगर हम बेसिक साइंसेज की बात करें तो आपको मास्टर डिग्री के साथ वैलिड ग्रेड स्कोर का भी बात करके उन्होंने रखा है। बैचलर डिग्री का बात करें तो बैचलर डिग्री विथ आपका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर। तो व्हाट अगर हम वैलिड गेट स्कोर का बात करें तो आपका गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 200 रुपये एंड 100 रुपीज ओबीसी एंड एनसीएल के लिए उन्होंने रखा है। बाकी आपका रिजर्वेशन प्रोसीजर वैसे ही अप्लाई होगा। उन्होंने उसके बाद अदर इंपॉर्टेंस डिटेल दे के रखे हैं, इंटरव्यू कब होगा, कैसे करना है, ऑर्गेनाइज क्या करना है, और इन्होंने लिंक रखा है, दे के रखा है कहाँ पे आप क्लिक करोगे। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो इस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आता है। तो वेलकम टू द आईआईटी जम्मू ई गवर्नेंस, देन क्लिक हियर टू लॉग इन। जब आप लॉग इन कर लेगा फर्स्ट टाइम आते हैं तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप यहाँ नाम लिख सकते हो अपना, आपका जो भी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल है एंड इनशॉर्ट, एंड अगेन आप जाके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन्होंने डिटेल में क्या रखा है। पीएचडी प्रोग्राम में हम जब जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने क्या लाइनअप करके रखा है। तो आप टाइम लाइन फॉर द मिड मिड ईयर पीएचडी 2021 जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल लग जाएगा। देखिए रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन अप टू 15 दिसंबर 2020, डेट मीन्स 15 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन को अप्लाई करने का और रिसीव करने का। शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा 22 दिसंबर से। आपका टेस्ट इंटरव्यू शेड्यूल होगा 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। इंटीमेशन ऑफ द ऑल कैंडिडेट ऑफर लेटर, दैट मीन ज्वाइनिंग आपकी होगी 6 जनवरी से 21 जनवरी तक। अब पेमेंट फी होगा 12 जनवरी 2021। तो रिसीविंग एप्लीकेशन आपका 15। शॉर्ट लिस्टिंग इनिशिएटेड फॉर द सेकेंड, दिस इज अ स्लॉट फॉर वन, हम स्लॉट वन की बात कर रहे हैं। स्लॉट टू का उन्होंने अलग दे के रखा है, सेम प्रोसेस है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्लॉट वन एंड टू में आ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग स्लॉट वन एंड टू सॉरी वन में आ रहा है, और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट दे के रखा है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। इस तरह हम न्यू आईआईटीज के बारे में, जितने भी पीएचडी एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू।